देखिए, हम लोग तो हमेशा से समर्थन करते हैं विकास का, और जिस तरह का विकास इन कुछ वर्षों में हुआ है उसे साफ पता चलता है, इसका कोई माहौल या कोई बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इन मुद्दों पे काम होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी अपने जीवन के 5-6 साल बिताता है तैयारी करते हुए, वो कोई भी सरकार हो, लेकिन वो सरकार हम लोगों की शिक्षा पद्धति पे ध्यान दे ताकि आगे जाकर इस तरह की कमियां ना हम लोगों को मिले। और जो शिक्षार्थी पूरे जीवन भर ये काम करता है तो पूरे जीवन भर उसका पूरा समय चला जाता है, अगर उसका समय लैप्स हो गया तो उसके पास कुछ और नहीं बचता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया, मैं हूँ आपके साथ दीपिका ओझा। देश में लोकतंत्र का महापर्व यानी की चुनाव चल रहे हैं, और ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से सूचना जारी की गई 7 चरणों में मतदान सम्पन्न होने, और इन चुनावों में सबसे ज्यादा पूरे देश में अगर बात करें तो लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, और ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद अहम हो जाती है, दिलचस्प हो जाती है। और इसी कड़ी में हमारा प्रयास है कि हम हर एक लोकसभा क्षेत्र में पहुंचकर आम जनता की क्या राय है, लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने किसके प्रति वोट बनाया है, ये आप तक पहुंचा सके। और इसी कड़ी में आज हम फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक तरफ साध्वी निरंजन ज्योति चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर सपा से नरेश उत्तम पटेल चुनावी मैदान में है। ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाएगा कि 2 बार से सांसद रह चुकी साध्वी निरंजन ज्योति, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के बीच में कैसा मुकाबला रहने वाला है, फतेहपुर की जनता ने क्या मूड बनाया है, चलिए आपको दिखाते हैं और पूरी जानकारी से रूबरू कराते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं फतेहपुर के महापुर क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ कुछ शिक्षक मौजूद हैं। आइए इनसे समझते हैं कि इस वक्त फतेहपुर में किसके पक्ष में माहौल बन रहा है, हवा चल रही है, और इन लोगों ने क्या कुछ मन बनाया है। तो क्या मन बनाया आप लोगों ने, किसके पक्ष में इस बार जिताने के मूड में हैं? देखिए, हम लोग तो हमेशा से समर्थन करते हैं विकास का, और जिस तरह का विकास इन कुछ वर्षों में हुआ है उसे साफ पता चलता है, इसका कोई माहौल या कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन पर विकास दिखाई दे रहा है। आज हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, और जो क्वालिटेटिव एजुकेशन होती है, गुणवत्तापरक शिक्षा होती है, उसको हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से आ रही है। तो किसी भी तरह से, किसी भी निर्विरोध है ये तो कि हमेशा जो चीज़ें हैं उसमें विकास का ही अग्रणी होगा। आप चाहे सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, अब देखिए हमारे फतेहपुर शहर से यहाँ से अगर कानपुर जाना हो तो शायद है कि मैं 5-6 अगर कुछ दशक पहले की बात करूँ या 1 दशक पहले की बात करूँ तो 3 घंटे का रास्ता होता था कानपुर तक का, या इलाहाबाद पहुँचने में 4 घंटे। आज हम 1.5 घंटे की इतनी दूरी में है कि हमारे कानपुर से शिक्षक फतेहपुर पढ़ाने आ जाते हैं इतना। तो ये जो चीज़ें हैं ये दिखाई देती है, और इसके लिए मैडम कोई माहौल की जरूरत नहीं है, विकास के साथ है, और विकास के साथ है तो विकास को ही हमारा मत जाएगा। क्या लग रहा है आपको इस बार किन मुद्दों पर मतदान हो रहा है, और आपके हिसाब से क्या अहम मुद्दे हैं? मुझे लगता है कि अहम मुद्दा विकास होना चाहिए, और जैसा हमारा प्रोफेशन है शिक्षा से संबंधित, तो हम पर्टिकुलरली किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम विकास के साथ ही जाना चाहेंगे। क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, और ऐसे में आप लोगों के हाथ में बच्चों का भविष्य रहता है। आज तमाम तरह के आरोप लगते हैं, पेपर लीक को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, एक शिक्षक होने के नाते क्या आप इसे राजनीति से जोड़कर अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है इन मुद्दों को ऊपर? मुझे लगता है कि इन मुद्दों पे काम होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी अपने जीवन के 5-6 साल बिताता है तैयारी करते हुए, और फिर उसके बाद एक पेपर लीक हो जाता है, तो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और पर्टिकुलरली किसी पार्टी को हम नहीं बोल सकते कि उन्हीं के काम में ऐसा होता है। व्यवस्थाओं का परिवर्तन है, इससे किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं किया जा सकता, ये व्यक्ति विशेष के विचार होते हैं। तो हम शिक्षकों को तो यही लगता है कि जब परीक्षार्थी पूरे साल तैयारी कर रहा है, अपने सर्विस पे कर रहा है, तो एक व्यवस्था है जिसको सुदृढ़ होना चाहिए, और आशा है कि आगे सुधार होगी, कहीं ना कहीं बाकी चीजें चलेंगी। इसमें जो सबसे बड़ा जो एक रोल है जो निभाने का होता है, वो परीक्षार्थी के साथ साथ समाज का भी होता है। ये कोई नहीं कहता, कोई नहीं चाहता, अगर आप हृदय से पूछे तो कोई भी परीक्षार्थी का अभिभावक या शिक्षक नहीं चाहता कि परीक्षा से जुड़ी कोई भी त्रुटि हो, किसी तरह का पेपर लीक या कुछ हो। लेकिन ये कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ऐसा करते हैं, और हम शिक्षक समुदाय हमेशा इसकी कड़ी निंदा करते हैं, इसकी व्यवस्था। अगर बात करें कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव किए गए हैं, चाहे जो नई एजुकेशन पॉलिसी भी लाई गई है इस सरकार की ओर से, पहले के 10 साल पहले अगर बात करें तब की अगर शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की, और आज की शिक्षा क्षेत्र की, आप क्या देख रहे हैं, क्या बड़े बदलाव आपके हिसाब से हुए हैं या नहीं? निसंदेह इसमें कोई निसंदेह है कि अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के पर्पज़ से ही हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो आज जो शिक्षा प्रणाली हम लोगों की चल रही है उसमें हम लोग
डिजिटल की तरफ तो बहुत मूव ऑन हो चुके हैं, लेकिन कई बार जब इस तरह की चीज़ें होती हैं इस डिजिटलाइजेशन में जहाँ पर इतना ज़्यादा सिक्योरिटी है, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि इस समय यहाँ पर हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। सरकार पूरी तरीके से इस पर अपना ध्यान दे रही है, लेकिन होने की यही बात है कि आगे और इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि ये मुद्दा आगे के समय में ना उठे। तो क्या मन बनाया इस बार आपने? मन इसी बार इस तरीके से है कि अगर कोई सरकार आए, वो कोई भी सरकार हो, लेकिन वो सरकार हम लोगों की शिक्षा पद्धति पे ध्यान दे ताकि आगे जाकर इस तरह की कमियां ना हम लोगों को मिले, और जो शिक्षार्थी पूरे जीवन भर ये काम करता है तो पूरे जीवन भर उसका पूरा समय चला जाता है, अगर उसका समय लैप्स हो गया तो उसके पास कुछ और नहीं बचता, वो केवल इसी शिक्षा पे डिपेंड है। तो हमारी शिक्षा पद्धति अगर अच्छी हो गई तो डेवलपमेंट और अच्छा होगा, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो ही रहा है अच्छा। किस सब्जेक्ट विषय के अध्यापक हैं आप? कंप्यूटर साइंस। क्योंकि कंप्यूटर साइंस से आप जुड़े हुए हैं, ऐसे में अगर बात करें बदलाव की जो हो रही है डिजिटलाइजेशन की ओर, जैसे कि अभी जिक्र किया गया, बच्चों को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार भी काम कर रही है, डिजिटल इंडिया, क्या लगता है कि इस तरह की जो योजनाएं हैं असल में आपके स्कूलों में और तमाम जो स्कूल हैं वहां पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को मिल रहा है उन योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ या नहीं? जी बिल्कुल मिल रहा है, योजनाएं मिल रहे हैं, जो उसका मतलब बेनिफिट भी हो रहा है, फ़ायदा भी हो रहा है, तो हम बहुत जो है इससे लाभान्वित है और सही भी हो रहा है ये चीज़। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की अगर दशा और दिशा की बात की जाए तो पिछले 10 सालों की अगर बात करते हैं तो क्या तस्वीर रही है इन 10 सालों में और उससे पहले की? आपने इस बार क्या मन बनाया है और किन मुद्दों पर आप मतदान करने जाएंगे? हमारा मन इस पे है कि जैसे जितनी भी सरकारें हैं वो खेल कूद पे थोड़ा सा ध्यान दें, और जो बच्चों की खेल शिक्षा है उसकी तरफ और शारीरिक शिक्षा की तरफ जो सरकार ध्यान देंगी हम उनकी तरफ विकास में रहेंगे। और इस टाइम पे पिछले 10 सालों में हमने देखा है, अब चाहे ओलंपिक मेडल्स में देखें, चाहे कोई भी आप देखें खेल कूद में, तो अब भारत का जो नाम है ओलंपिक्स में भी आने लगा है। तो हमें ये लग रहा है कि पिछले 10 सालों में जो भी सरकार है वो काम कर रही है खेल की तरफ, और हम उसी सरकार के साथ हैं जो आगे खेल शिक्षा की तरफ अपना बच्चों का सर्वांगीण विकास की आप बात कर रहे हैं। आप क्योंकि लग रहा है कि आपने काफी समय दिया होगा इस क्षेत्र में, आपका अनुभव क्या कहता है? अगर पहले सबसे पहले बात करें शिक्षा के क्षेत्र की, सरकारें बदली हैं, आपने हर एक दौर को देखा होगा, पहले की तमाम सरकारों के मुकाबले आपकी सरकार का क्या कुछ काम रहा है, और जो मतदान के आपने अपने मन में मुद्दे बनाए हैं वो क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए मेरे टाइम में जो 91 में जो एक बाढ़ आई थी जो मंडल और कमंडल लेकर के, उसने क्या किया है बहुत से यंग को डिप्रेस किया, जो हमारे साथ के जितने भी कलीग्स हैं जो भी हमारी उम्र के हैं उनके साथ में यही हुआ, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन ने क्या किया है कि उनका जो एम्बिशन था, उन्होंने जो कुछ भी सोच रखा था कहीं कहीं डिमोलिश हुआ है कि नहीं। लेकिन इधर देख रहे हैं कि 10 सालों में और कुछ तो नहीं मान लीजिए, लेकिन विकास देखा जाए विकास भी काफ़ी हुआ है। हाँ ये ज़रूर है कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आती है तो कम से कम जिस जनता को हम देने जा रहे हैं वो जनता उस टेक्नोलॉजी से वेल अवेयर हो। अगर वो नहीं है, मान लीजिए मेट्रो चला रहे हैं तो मेट्रो में चढ़ने के लिए सिस्टम भी कम से कम एक ग्राउंड लेवल के आदमी को मालूम होना चाहिए, अदरवाइज होता क्या है कि वो उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है तो वो हमारे लिए बेकार हो जाती है। तो हम तो ये चाहेंगे कि जो भी सरकार आए वो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे, और मैं संगीत का शिक्षक होने के नाते मैं चाहता हूँ कि संगीत की जो आत्मा है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको समझे सरकार, क्योंकि इसको अभी डेप्थ में नहीं समझा है लोगों ने, इसको सिर्फ ऑर्केस्ट्रा तक ही लोगों ने समझा है। पदाधिकार होता है जिसको हर कोई डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है और हम उसका सम्मान करते हैं। आपने इस बार क्या मन बनाया है और किन मुद्दों पर मतदान करने के लिए जाएंगे? ये विकास का मुद्दा ही है और विकास हो भी रहा है, जो हमारी दैनिक जरूरतें हैं वो भी सही हैं, और जैसे यातायात का है कोई, जैसे हम साथ में बताया गया कि सड़कें हैं, जैसे हम लोग कानपुर पहुंच जाते हैं जल्दी से टाइम पे, अब तो मेडिकल कॉलेज भी यहाँ हो गया है, तो हम लोग को इमरजेंसी जो भी हमारी मेडिकल से रिलेटेड जो भी सेवाएं वो भी हम लोग को आसानी से मुहैया हो जाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है जो लाइट का था, लाइट का मुद्दा था हम लोग क्या, लेकिन आज से 10 साल पहले जो था कि पता लगा केवल 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ही लाइट मिलती थी, वो इस समय अब मतलब विगत कुछ वर्षों से 10 वर्षों से 7 वर्षों से ऐसा हुआ है कि लाइट हम लोग को 23 से 24 आवर्स मिलती है, जिससे हम लोग सभी काम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर समस्याओं की बात करें तो एक समय था जब जिस तरह से बिजली की बात की गई है और बेटियां सुरक्षित नहीं थी, भय का माहौल था और तमाम तरह की ऐसी समस्याएं थी जिससे उत्तर प्रदेश में कोई आना पसंद नहीं करता था, तब के मुकाबले में और अब के मुकाबले में क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है? बहुत तस्वीर बदल चुकी है। पहले क्या होता था कि पहले के सरकारों में गुंडागिरी होती थी, और अब की सरकारों में आप देख लीजिए बेटियाँ आराम से अपने
टहल नहीं है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसी तरह की कोई उनको सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं रहती है। और माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने जो काम किया है वो तो काम किया ही किया है। माननीय दीदी जी ने भी कई कार्य किए हैं अपने जनपद के लिए। पिछले 10 सालों में हमारे जनपद पे मेडिकल कॉलेज लाने का काम किया, उसके बाद आपका जो है केंद्रीय विद्यालय लाने का काम किया, गैस पाइपलाइन लाने का, ऐसी कई योजनाएं हैं जिसमें माननीय दीदी जी ने यहाँ अपने फतेहपुर जनपद पे देने का काम किया। यानी मौजूदा सांसद के कामों से खुश हैं आप? बहुत बहुत। अच्छा, आप योजनाओं की बात की जाए, क्योंकि सरकार जो भी सत्ता में रहती है उनकी तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो चाहे अब बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो जो योजनाएं चलाई गई हैं, क्या आप लोगों को उन सब योजनाओं का लाभ मिला है? या अगर आप लोग उनके, क्योंकि हर कोई नहीं होता उस कैटेगरी में, अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते तो आपके जो रिश्तेदार हैं या जो उन योजनाओं का हकदार है, असल में आप लोगों ने कभी देखा है कि उन लोगों को मिली है योजनाओं का लाभ? बिल्कुल मिलती है, लेकिन असल में इसका पूरा फायदा जो है निम्न वर्ग को मिलता है। मिडिल क्लास को मोस्टली अपने ही दम पर जो भी चीज़ होती है वो करनी पड़ती है, और उसके लिए जो योजनाएं भी बनाई जाती हैं वो या तो निम्न वर्ग के लिए होती है या फिर अपर लेवल के लिए होती है। जो मिडिल क्लास में है उसके लिए योजनाएं बहुत कम हैं। हम लोग करना भी चाहते हैं तो योजनाएं पूरी तरीके से नहीं पा पाते। इसमें एक चीज और समझने वाली है कि योजना मध्यम वर्ग जो है, देखिए ये ऐसा वर्ग है जो योजनाओं की रीढ़ की हड्डी है। ये योजनाओं का फायदा प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेता है, ये योजनाओं का फायदा प्रत्यक्ष रूप से ज्यादा परोक्ष रूप में लेना चाहता है। अगर मिडिल क्लास के लोगों की बात की जाए, मध्यम स्तर की बात की जाए, तो मध्यम स्तर में ऐसी चीजें होती हैं। आप किसी भी योजना का नाम ले लीजिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, वहां पर कोई भी मध्यम वर्गीय सीधे नहीं घुस रहा, लेकिन उसके साथ उसके मित्र हुए, उसके सहपाठी हुए, उसके सहयोगी हुए, वो उसका लाभ ले रहे हैं और हम उसे देख पा रहे हैं। योजना बनाना एक अलग चीज है और ये दशकों से बनती चली आई है। हम लोगों ने जो पिछले 10 वर्षों में देखा है वो अंतर आया योजना के क्रियान्वयन में। जब किसी पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था कि हम रुपया एक अगर भेजें, 100 भेजें तो पब्लिक तक पहुंचते पहुंचते एक रुपया होता है, मेरे ख्याल से आज इस सोच में अंतर आया है। वो रुपया जो वहां से चलता है वो 80वां भाग नहीं तय करता, वो पूरा का पूरा निचले पायदान तक पहुँच रहा है, और यही शायद है कि जिसकी वजह से योजनाओं का क्रियान्वयन जो है वो सफलतापूर्वक हो रहा है। ये थी देखिए फतेहपुर की जनता, जिन्होंने अपना मन बनाया है विकास के मुद्दों को लेकर। बदलाव की जो बात करते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की लहर दौड़ाने को लेकर इन लोगों ने तमाम बातें की। बदलाव की अगर बात करते हैं तो जो छात्र हैं उन तक सर्वांगीण विकास की ये जो अध्यापक हैं वो मांग कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों ने अपना पूरा मन बनाया है कि किसको इस बार सत्ता में काबिज करना है। फिलहाल के लिए फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र से इतना ही। हम तमाम लोकसभा क्षेत्रों से आपके साथ जुड़ रहे हैं और लोगों का क्या मन है वो भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं दीपिका ओझा, फतेहपुर।